फाइनली दोस्तों, जल्द ही यूपी में टीचरों की एक और बड़ी भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूलों में बचे हुए टीचरों के पदों पर भर्ती 51,000 पोस्ट निकालने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। क्या है पूरी डिटेल, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए किस तरीके से ये वैकेंसी को यहाँ पर लाने का विचार किया जा रहा है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार अगर विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूलों में खुलेगा शिक्षक भर्ती का पिटारा, यूपी में होगी शिक्षा मित्रों की मुराद पूरी। तो ये न्यूज जो है दोस्तों आपको दिखा दें तो आज की डेट इस पर प्रिंटेड है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 6 सितंबर 2021 8:30 पे सुबह के टाइम में। तो इसमें देख सकते हैं यूपी के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया होने जा रही है और योगी सरकार की इस घोषणा से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उन हजारों शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पिछली भर्ती में जगह नहीं मिल पा सकी थी। पूरी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रही युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। योगी सरकार की इस घोषणा से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उन हजारों शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पिछली भर्ती में जगह नहीं मिल सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश दिया है। यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह ही वेटेज दिया जाएगा। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने 59,000 शिक्षक भर्ती की शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला आने पर भर्ती पूरी होने के बाद भी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में नहीं आया, 68,500 भर्ती में करीब 23,000 पद खाली हैं। दोनों रिक्त पद जोड़कर योगी सरकार की सबसे अधिक पदों की भर्ती घोषित हो सकती है ये भर्ती। दोस्तों, अगर ये न्यूज आपको फेक लगती है तो आप गूगल में डाल यूपी टीचर करके सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ यूपी टीचर ही लिखना है, बाकी सर्च करके आप इसे जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं नीचे कई सारी ऐसे पोस्ट शेयर किए हुए मिल जाएंगे। जैसे जागरण, हिंदुस्तान, न्यूज 18 के माध्यम से कई सारे ऐसे पोस्ट आपको मिलेंगे जो 18 आवर्स पहले, 2 दिन पहले और यहाँ पे 1 दिन पहले का देख सकते हैं, जिसमें सभी में बताया गया टीचर्स डे से पहले खुशखबरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं यूपी शिक्षक भर्ती की कमेटी गठित, 51,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। कई सारी आप देख सकते हैं सब न्यूली पोस्टेड हैं यूपी में, अध्यापकों की 51,000 पद रिक्त, जल्द होगी एक और शिक्षक भर्ती। और अब कन्फर्म हो चुका है कि जो योगी सरकार जो जल्द से जल्द ये भर्ती ला सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, कमेटी के गठन से साफ हो गया है कि जल्द ही एक और शिक्षक भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा में जो है 68,500 और 59,000 शिक्षक भर्ती कर चुका है सरकार। इन दोनों भर्तियों की शुरुआत 2018 में हुई थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण लगभग 22,000 पद जो है खाली रह गए थे। इसी तरीके से 59,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में तैनाती की प्रक्रिया अभी चल रही है। बीते 2 सालों से 51,000 पद जो है रिक्त हैं जिन पर भर्तियाँ होनी है। कमेटी के गठन के बाद रिक्त पदों का आकलन फिर से किया जाएगा, उसके बाद इन सारे पदों पर जो है वैकेंसी फिर से निकाली जाएगी। यहाँ देख लेते हैं, इसके अलावा शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो यूपी में सरकारी शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बंपर वैकेंसियां निकलने की जो है तैयारी पूरी हो रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे नीचे और भी आपको कई सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें यही जिक्र किया गया है कि 51,000 पदों पर रिक्त हैं, जो बाकी हैं उन पर अध्यापकों की भर्ती जल्द ही की जाएगी। यहाँ पर भी देख पाएंगे आप यूपी में अध्यापकों की 51,000 पद रिक्त शुरू होगी, जल्दी शुरू होगी एक और शिक्षक भर्ती। तो इसी तरीके से आपको जो है इसका जैसे ही हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी होगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लें ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।